पांच खिलाड़ियों ने आईपीएल में इस साल आने से मना कर दिया है। इन पांच विदेशियों को इस साल के मेगा ऑक्शन में ना आना बहुत भारी पड़ सकता है। कौन है ये पांच प्लेयर्स, कौन है ये बड़े नाम और क्यों इन्हें भारी पड़ेगा इस साल के आईपीएल में नीलामी में शिरकत ना करना, वो बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक देखिए। आईपीएल 2022 की इसी तरह के फैक्ट्स, स्टोरीज और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, मजा आ जाएगा आपको। पहले खिलाड़ी भाई, फर्स्ट प्लेयर, जो आई पर्सनली थिंक कि अगर ये आते तो इनको बड़ा मजा आ जाता और ये नहीं आएंगे तो इन्हें भुगतना भी बड़ा पड़ेगा, वो है भाई सैम करन। सैम करन नहीं आ रहे हैं, उन्होंने बायो बबल फटीक का और इसका हवाला दिया। हालांकि हमें पता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेशर था इन खिलाड़ियों के ऊपर और इसी भी चाह रहा था कि अगर आप जितना आईपीएल से दूर रहेंगे उतना आप हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के करीब रहेंगे, इंग्लैंड के क्रिकेट टीम से करीब रहेंगे, इसी को शायद सैम करन ने चुना। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा मतलब रिग्रेट करेंगे, ये बहुत ज्यादा अपनी गलती मनाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये कुछ उन ऑलराउंडर्स में से है जो कि मौजूद है नीलामी में। नीलामी में ज्यादा पेस बॉलिंग या इस तरह के ऑलराउंडर आते नहीं है और सैम करन उनमें से एक है। वैल्यू इनकी 15 करोड़ रुपए तक जाने की भी उम्मीद है। पिछले ऑक्शन में जब ये थे तो 7-8 करोड़ रुपए में ये बिक गए थे, तब तो मिनी ऑक्शन था, तो ये मेगा ऑक्शन है। टीमें रीबिल्ड कर रही हैं, इनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी बिडिंग होने वाली थी, साथ ही टीमें यहां से आने वाले 2-5 सालों के लिए नहीं लंबा देख रही है, 10-10 सालों के लिए अपनी टीमें बना रही है। और ऐसी स्थिति में सैम करन अगर किसी टीम में फिट बैठ जाते तो लंबे समय तक पैसा कमा सकते थे, आने वाले 5-7-10 सालों तक इतना पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने रिग्रेट कर दिया। अब ये अगले साल 2023-2024 की नीलामी में आते भी है ना, क्योंकि पर्स छोटा हो जाता है टीमों का, इतना पैसा इन्हें मिलेगा नहीं, तो सैम करन ने तो सचमुच बड़ी गलती की है। दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने गलती की उनका नाम बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले भाई एमसीपी शॉर्ट हमारा नया चैनल आ चुका है। क्रिकेट आईपीएल के पर्दे के पीछे की स्टोरीज, कहानियों को, फैक्ट्स को छोटे छोटे 1-1 मिनट के वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, फटाफट जाइए एमसीपी शॉर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। अब यार मिचेल स्टार्क क्यों नहीं आए, क्यों आए, इस पर मैं एक लंबी बहस हो जाएगी, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्यों ये बंदा नहीं आता, क्योंकि इस बार भी मतलब जब ये लिस्ट तैयार हो रही थी बीसीसीआई की तो इनकी तरफ से रिपोर्ट आई थी दैट ही इज इन इन मतलब इन प्ले टू बी द पार्ट ऑफ द ऑक्शन, बट अचानक से मिचेल स्टार्क ने कहा कि भाई मुझे नहीं आना और कोई सेंस समझ नहीं आया, कोई कारण समझ नहीं आया। पहले तो ये कारण बोला जाता था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इनको जाने नहीं देता, तो इस बार तो शायद वो कारण भी समझ नहीं आया, तो वो नहीं आ रहे। अब भुगतेंगे क्यों, तेज गेंदबाज है, ऐसा तेज गेंदबाज मिलता कहां है भाई, टीमें बिल्कुल पागलों की तरह बिडिंग होगी। और हर साल मैंने कहा ना, केकेआर में भी ये बिके थे तो 10-12 करोड़ में आई थिंक बिक गए थे, उस बार भी वो खेलने नहीं आए थे, मतलब बिकने के बाद भी खेलने नहीं आए थे, पैसा ही नहीं लिया था। तो मिचेल स्टार्क के लिए समस्या है एंड आई पर्सनली थिंक कि ये 15 करोड़ वाली इन्होंने जो डील है वो ठुकरा दी है। इन्हें आने वाले 3-4 सालों तक लगातार 15-15 करोड़ रुपए मिलते, इन्होंने पैसे ठुकराए हैं, क्यों कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस ऐसा मुझे नहीं पता। तीसरे खिलाड़ी है भाई जेसन रॉय। जेसन रॉय को लेकर रिपोर्ट है कि वो भी ऑप्ट आउट हो सकते हैं। अभी अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आई है कि जेसन रॉय एशेस और इंग्लिश क्रिकेट के कारण पूरे आईपीएल को छोड़ सकते हैं। जेसन रॉय के लिए ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी इसी तरह से कुछ मैचेस के लिए आते थे और फिर चले जाते थे वहां काउंटी क्रिकेट खेलने, तो इनको लेकर सवाल है। और अगर ये नहीं आते हैं ना तो इन्होंने जो भी वर्ल्ड कप में अभी जो कुछ दिनों पहले अक्टूबर में हुआ उसमें जो किया है ना, उस पर पानी इनका फिर जाएगा, क्योंकि टीमें तैयार बैठी हैं जेसन रॉय जैसे बैट्समैन पर गोली लगाने के लिए। टीमों को जरूरत है तेज माफ कीजिए बैट्समैन की, एक फॉरेन बैट्समैन की जो कि तगड़ा खेल सके, तगड़ा आए, और ये खिलाड़ी तगड़ा आता है और ब्रांड प्लेयर है। तो अगर ये नहीं आते हैं बहुत बड़ी गलती करेंगे, 10 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए आराम से इन्हें मिलेंगे नीलामी में। इनसे सिर्फ एक ही दुआ है, आराम से बैठो, आओ खेलो और ईसीबी की चिंता मत करो, हमारा बीसीसीआई देख लेगा। 14 खिलाड़ी है और मतलब इनका नाम तो क्या ही लूं भाई, ये तो भगवान तो लोग हैं आईपीएल में। अगर हम टीमों की और कीमतों की बात करें भाई, बेन स्टोक्स, यार बेन स्टोक्स के बारे में राजस्थान रॉयल्स को पहले से पता था दैट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले इन दिस आईपीएल, इसलिए राजस्थान रॉयल्स ने उनको रिलीज किया, उस समय समझ नहीं आया, अब इन्होंने खुद बोल दिया। अब इनको कुछ इंजरी के भी इशू है, बायो बबल का भी इशू है और कोरोना का भी इशू है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये इशू आप एक तरफ रखकर आ जाओ, क्योंकि बेन स्टोक भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है और जैसा कि मैंने कहा नीलामी में कोई है ही नहीं तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर। भाई डिमांड है, मतलब यार सोचो डिमांड इतनी है, 10 की 10 टीमों को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर चाहिए, खिलाड़ी 1-2-3 ही है। इसीलिए बेन स्टोक जैसे प्लेयर्स का भाव बहुत लंबा जाता, मैंने फिर कहा एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर बेन स्टोक नीलामी में आने का फैसला लेते हैं तो वो इस बार शायद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर 20 करोड़ प्लस में भी बिक सकते हैं,
बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ी गलती बेन स्टोक्स कर रहे हैं। पांचवें खिलाड़ी जिनको हमने इस लिस्ट में रखा है वो है जोफ्रा आर्चर। सेम रीजन, हालांकि चोट के चलते लंबे अरसे थे हमें फील्ड पे जोफ्रा आर्चर देखे नहीं है। इस बार इनके नहीं नीलामी में शामिल होने का नहीं कारण यही था कि वो चोटिल है, इसलिए ऑप्शन का हिस्सा नहीं हुए। लेकिन रिपोर्ट ये है कि हो सकता है बीच में से जाए, पर मैं फिर यही बोलूंगा कि भाई आप आ जाओ और थोड़ा सा रिस्क ले लो, बिकॉज जोफ्रा आर्चर एक T20 मटेरियल है। टीमें ऐसे खिलाड़ी के पीछे जाती हैं, तेज गेंदबाज भी है, नीचे से थोड़ी बहुत पुश बैटिंग भी दे देते हैं, लेकिन तेज गेंदबाज काफी अच्छे हैं और स्मार्ट तेज गेंदबाज हैं, तो टीमें जाती हैं। और इसको मैं हवा बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली बार राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जो लिया था इन्हें अच्छे खासे पैसे देकर लिया था, लंबी बिडिंग लेकर दिया था, तो मेरे हिसाब से 15 करोड़ रुपए ठुकरा रहे हैं। आर्चर को भी आ जाना चाहिए, बहुत पैसा ठुकरा रहे हैं। So these are the 5 players which I personally think might regret if they are not coming to the mega auction, and evidently उन्होंने मना भी किया है। आप देखते हैं भाई आगे क्या होता है, क्या इनमें से कोई आएगा नहीं आएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। YouTube कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कर, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।